एग्जॉर्गेट, एग्जॉर्गेट का सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। इसके दो इनपुट होते हैं ए और बी, और एक आउटपुट होता है। इसकी बूलियन इक्वेशन है ए बी बी बार प्लस ए बार बी, या फिर हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव बी, यानी एक्सक्लूसिव का साइन कुछ इस तरह से बना के हम इस तरह लिख सकते हैं। बाकी इसको ओपन करके हम इस तरह ही लिखते हैं ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो चेक कर लेते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन है ए, ए हमारा जब ज़ीरो है और बी भी हमारा जब ज़ीरो है। तो चलते हैं, जब हमारा ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, तो जब हमारा ए ज़ीरो है तो इक्वेशन तो हमारी ये थी ना ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ए हमारा क्या है, ज़ीरो है, तो हमने ए को तो ज़ीरो ही लिया। मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, बी का बार, यानी बी हमारा ज़ीरो है तो इसका बार, बार क्या है अपोजिट, यानी अपोजिट मींस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए का बार, यानी ज़ीरो है ए और ए का बार यानी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वन, और बी हमें ज़ीरो दिया है इट मींस ज़ीरो। अब सॉल्व करते हैं तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो ए ज़ीरो, जब हमारा ए ज़ीरो होगा और बी ज़ीरो होगा तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल में ज़ीरो रख देते हैं। आगे चलते हैं, जब हमारा, जब सेकंड कंडीशन है हमारी, जब हमारा ए ज़ीरो है लेकिन बी हमारा वन है, तो इक्वेशन तो हमारी ये थी ए बी बार प्लस ए बार बी। सॉल्व करते हैं इसको, ए हमारा ज़ीरो है तो ज़ीरो रखा, बी का बार यानी बी हमारा क्या है वन, वन का बार यानी ज़ीरो प्लस ए का बार यानी ए बार मिनट ज़ीरो, इसका कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, बी, बी को नॉर्मली रखना है यानी वन। कर लेते हैं सॉल्व, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू वन वन, और ज़ीरो प्लस वन वन। तो ज़ीरो और वन कंडीशन में क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा वन आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में चलते हैं, जब हमारा ए वन है और बी हमारा ज़ीरो है, तो इक्वेशन क्या थी ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो ए, ए हमारा वन है तो हमने वन रखा, बी का बार यानी बी का उल्टा अपोजिट यानी वन प्लस ए बार यानी ए वन है तो उसका बार क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा, और बी, बी तो हमारा ज़ीरो है ही। सॉल्व कर लेते हैं, वन इंटू वन वन प्लस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो इज़ वन। तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है हमारी, जब दोनों इनपुट हमारे वन है, यानी ए हमारा वन है और बी भी हमारा वन है। तो इक्वेशन थी हमारी ए बी बार प्लस ए बार बी। सॉल्व कर लेते हैं, ए हमारा वन है तो वन रखा, बी बार यानी बी हमारा क्या है वन है, इसका अपोजिट यानी इसका बार ज़ीरो प्लस ए बार यानी ए वन है तो इसका अपोजिट ज़ीरो और बी वन। तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो सॉल्व कर लेते हैं, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो एंड प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। तो कंडीशन हमारी यहाँ ये हो गई, तो सॉल्व हो गई हमारी ये ट्रुथ टेबल। ओके,